त्यांना माहिती होतं, परंतु नंतरच्या काळामध्ये हे मी त्यांना पहिल्यापासून म्हणत होतो की तो एक बहुत बड़ा उलटफेर देखने को मिला है महाराष्ट्र की राजनीति में। एक बड़ा फेरबदल यहां पर देखने को मिला है जहां पर देवेंद्र फडणवीस ने सीएम पद की शपथ ले ली है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर आज देवेंद्र फडणवीस ने सीएम पद की शपथ ली। आपको बता दें कि एनसीपी के अजीत पवार उन्होंने डिप्यूटी सीएम पद की शपथ ली। तो एक बहुत बड़ी खबर है महाराष्ट्र की राजनीति में, एक बहुत बड़ा उलटफेर देखने को मिला। इससे पहले अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र में अगली सरकार शिवसेना सुप्रीमो उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में बनने जा रही थी, ऐसा ऐलान किया गया था एनसीपी प्रमुख शरद पवार की तरफ से। आपको बता दें कि शिवसेना कांग्रेस और एनसीपी की शुक्रवार को लंबी बैठक चली थी जिसके बाद उन्होंने ये ऐलान किया था, लेकिन एक बहुत बड़ा फेरबदल यहां पर देखने को मिला है और देवेंद्र फडणवीस ने आज सीएम पद की शपथ ली है। किसी ने सोचा भी नहीं होगा, तो एक नया गठबंधन, नया समीकरण यहां पर देखने को मिल रहा है। अध्यक्ष अमित भाई शाह जी, हमारे कार्याध्यक्ष नड्डा जी, इन सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने फिर एक बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में मुझे सेवा करने का मौका दिया। मूल रूप से महाराष्ट्र की जनता ने एक बहुत स्पष्ट जनादेश दिया था, किंतु उस जनादेश को नकारते हुए हमारे साथ लड़ी शिवसेना पार्टी ने, हमारे साथ गठबंधन करने की जगह दूसरी ओर गठबंधन करने का प्रयास शुरू किया और जिसके चलते महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। और महाराष्ट्र में कितना समय राष्ट्रपति शासन लागू हो, महाराष्ट्र जैसे एक अगड़े राज्य को ये शोभा भी नहीं देता, और इसके चलते महाराष्ट्र को एक स्थिर शासन देने की आवश्यकता थी, कोई खिचड़ी शासन नहीं जहां पर तीन ऐसी पार्टियां साथ में आ जाए और कोई सरकार बना दे जो चल भी ना पाए। और ऐसे समय मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता श्री अजीत दादा पवार जी का अभिनंदन भी करना चाहूंगा, उनका आभार भी व्यक्त करना चाहूंगा कि उन्होंने यह निर्णय लिया।